हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रितु की शुद्ध रसोई। और आज हमने बनाई है कलाकंद, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट दानेदार बनी है, और इसे बनाना काफ़ी आसान रहेगा फ्रेंड्स। तो जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इसे बनाना तो बनता है, और इसे बनाना काफ़ी आसान रहेगा। बहुत कम सामान में बन के हो जाती है रेडी, और इसे बनाने में लगता है बहुत ही कम टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो हलवाई के जैसा दानेदार कलाकंद बनाने के लिए मैंने ले लिया है पनीर। तो सबसे पहले पनीर को हम कद्दूकस की सहायता से कस लेंगे। तो मैंने तो ये मार्केट से बना बनाया पनीर लिया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो घर पे दूध का पनीर बना के भी उसे यूज कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि इसको कद्दूकस क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने तो इसमें आज तक कद्दू नहीं कसा है। आपने कसा है तो जरूर बताना। तो सबसे पहले मापने के लिए ले लेते हैं हम एक कटोरी। तो एक कटोरी के लगभग हो जाएगा ये हमारा पनीर। तो यहाँ पे मेजरमेंट का कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है फ्रेंड्स। तो एक कटोरी हमने ले लिया है पनीर, इसे डाल देंगे हम डायरेक्ट पैन में, और हल्के हाथों से हम इसे ना मैश कर लेंगे। एक कटोरी पनीर लिया है फ्रेंड्स, और एक कटोरी ले लिया है हमने मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, ये मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। और आधा कटोरी हम ले लेंगे दूध। तो यहाँ पे आप गाय का दूध, भैंस का दूध, जो दूध आपके पास है आप वो ले सकते हैं। यदि आपके पास दूध नहीं है तो यहाँ पे आप पानी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर पहले इसमें डाल दिया है। तो सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और अभी इसको जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसे गैस पे नहीं रखना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम इसे गैस पे रखेंगे। तो अपनी दोनों तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, क्योंकि दूध का ना गांठे सी बन जाती है मिल्क पाउडर की। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे मीठे के लिए चीनी। तो आधा कटोरी मैंने ली है चीनी। चीनी की जगह पे आप यहाँ पे मिश्री पाउडर भी ले सकते हो, या खांड वगैरह भी ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप वो यहाँ पे ले सकते हो। तो चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसे पकाने के लिए चलते हैं। और उससे पहले हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच देसी घी, और ये मिठाई इतनी लाजवाब बनेगी फ्रेंड्स कि जो कोई खाएगा ना वो आपकी तारीफ करता रहेगा। तो अच्छे से घी को भी मिक्स कर देते हैं, और अब हम इसे पका लेते हैं। तो गैस पे हमने इसको रख दिया है, और हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर पनीर ये ना यदि हमने थोड़े से टाइम के लिए भी छोड़ दिया तो नीचे लगने का डर रहेगा, फिर इसमें जले की स्मेल हो जाएगी। इसलिए आपको लगातार इसे चलाते रहना है, और ये बहुत ही कम टाइम में मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो गर्म होने के बाद सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। एक बार तो ये थोड़ा सा आपको पतला दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको चलाते रहेंगे ये अपने डो फॉर्म में आने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो हमें इसे और भी चलाते रहना है, और जब तक हमें ये बर्फी जमाने की फॉर्म में ना आ जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। तो फ्लेवर के लिए मैंने इसमें डाल दिया है इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर डालना यहाँ पे ऑप्शनल है फ्रेंड्स। यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 4 से 5 मिनट लगातार चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मिश्रण गाढ़ा हो गया है। बस ये रेडी होने को ही है, बहुत ज्यादा हमने इसको ड्राई नहीं करना है। तो चलाते रहेंगे, और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ना मतलब खिला खिला सा हो गया है। गैस को कर देंगे बंद, और अब हम इसे जमाने के लिए एक बर्तन ले लेते हैं। मैंने ले लिया है एक प्लेट, इसमें लगा देंगे घी, या फिर आप ऑयल से भी इसको चिकना कर सकते हैं। आपके पास यदि बटर पेपर है तो बटर पेपर भी आप लगा सकते हैं। बटर पेपर लगाने से क्या होगा कि हमारी बर्फी इजीली निकल जाएगी।
और हमारे कलाकंद को हम अच्छे से फैला देते हैं और इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। तो मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ, फ्रिज में ये 40-45 मिनट में अच्छे से सेट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे बाहर भी रख सकते हैं। तो मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और 40 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी कलाकंद अच्छे से सेट हो गई। और मैंने इसमें हल्का सा वो डाल दिया है, केसर डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं और हमारी बर्फी इजीली निकल जाए, इसलिए मैंने प्लेट को नीचे से हल्का सा गर्म कर लिया था, बिल्कुल हल्का सा गर्म। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कलाकंद कितना अच्छा बना है। और अब हम इसे अपनी सुविधा के अनुसार छोटे बड़े साइज में कट कर लेंगे। जो साइज आपको पसंद है आप उसी हिसाब से आप इसे काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप व्रत के टाइम भी आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला है कि आप व्रत में ना खा सको। यदि आप अष्टमी के व्रती हो तो आप इसे खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। आप एक बार इसे बनाना जरूर ट्राई करना। तो ये देखिए हमारी कलाकंद बन के हो गई है रेडी और आप देख सकते हैं अंदर तक कितनी दानेदार बनी है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको कलाकंद की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब हम इसको डाल लेते हैं एक प्लेट में। तो जन्माष्टमी आ रही है फ्रेंड्स और जन्माष्टमी पे ये मिठाई बनाना तो बनता है और बहुत ही कम टाइम में, कम मेहनत में ये मिठाई बन के हो जाती है रेडी। और जो भी खाएगा आपकी तारीफ करता रहेगा, ये इतनी टेस्टी और मुंह में घुलने वाली बनती है। तो ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ।